आप सोच रहे होंगे की ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस को करने के लिए हमें ऑलमोस्ट सिक्स लेक्चर्स लग गए तो मैम हम कैसे थर्टी मिनट्स में कम्पलीटली इसको रिवाइज कर सकते हैं सो बेटा इट इज पॉसिबल नथिंग इज इंपॉसिबल एक्चुअली सो इस कंप्लीट पीडीएफ को आप uh, पा सकते हैं यानी कि आपको इसका एक्सेस मिल सकता है आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करेंशन एज वेल एज डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव सो लेट एस स्टार्ट विद नो मोर डिलेज इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड की अगर हम बात करें इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हम कूलम्स uh, लॉ की बात कर रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट निकाल निकालने की बात कर रहे हैं न्यूट्रल चार्ज निकालने की बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं फिर हम कूलम्स लॉ के बाद आ, उसी का अगर हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर गॉसज लॉ आ जाता है सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर सबसे पहले हमने यहां पर चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है चार्जेस एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देन वी केम टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ट जिसमें हमारे पास एडिटिव नेचर कंजर्व नेचर एज वेल एज क्वांटाइजेशन के बारे में हमने uh, इस चैप्टर में पढ़ा था क्वांटाइजेशन वॉज बॉड बेटा

कांस्टेंट होता है अगर हम चार्जेस को वैक्यूम में कंसिडर कर रहे हैं या फ्री स्पेस में कंसिडर कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है द पावर ऑफ नाइन दूसरा बेटा आपको ये बात याद मैक्सिमम जहां सबसे ज्यादा अलाउड है चार्जेस इंटरैक्ट करने के लिए दैट इज वैक्यूम

Permittivity, right? so, इसके बाद बेटा हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपकी आ, electrostatic force के बारे में कि होता होता है, then force होता है, joining, है ना, the two charges, then हमने हमने पढ़ा पढ़ा था ना ये inverse square law को अप करता है यानी कि जैसे-जैसे टू चार्जेस बढ़ता जाएगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी उसके बाद हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में अब मल्टीपल चार्जेस अगर रखे गए हैं और इस कॉन्सेप्ट uh, में अगर हम किसी भी एक चार्ज को उठाकर उसके ऊपर नेट चार्ज उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा हमारे पास नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाता था ये अब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में हम एक नया चार्ज लेकर आते हैं तो बेटा ओवरऑल नेट फोर्स चेंज होता है पर इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यू सेम ही रहती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई नया चार्ज लेकर आते हो तो पहले वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा पर इंडिविजुअल चार्जेस जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंटर्स है कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो भी हमें आपको यहां पर डिस्कस करवाऊंगी रिवाइज करवाऊंगी डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूं आप देख सकते हैं प्रारंभ बैच के क्लासेज में ठीक है नेक्स्ट ड्यू टू द न्यू चार्ज विल बी नो इफेक्ट ऑन द फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा किसी भी पॉइंट चार्ज के आसपास वाली जगह जिसपे कोई और चार्ज आकर बैठ जाए और वो उसके साथ इंटरैक्ट करने लगे इंटरैक्शन में दोनों आता है अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी इंटरैक्ट करने लगे तो बेटा उस जगह को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उस जगह में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बताना है कि कितना इंटरैक्शन हो रहा है

पॉजिटिव होती है यानी कि टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं अगर आपके पास टेस्ट चार्ज नेगेटिव आ जाए उस केस में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं वी ऑलवेज 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 प्रेफर कि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर करें एज वेल एज टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल कंसिडर करें ये बेटा आपको याद होना चाहिए ठीक है देन उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अब जो फैराडे जी थे थे ना ना वो आ, हमारा दुख दर्द जान गए थे. उनको पता चल गया था कि यार इतने सारे ना, याद करने बहुत मुश्किल हैं तो थोड़ा सा सुंदर बना दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कॉन्सेप्ट को जिसमें हम पिक्टोरियल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज दोनों

उसके बाद आपको ये चीज पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनेट नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस नहीं आती ठीक है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए फर्दर बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या कर्व पे पे किसी भी पॉइंट अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है सुपर पोजिशन के कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जैसे कि आप वेक्टर्स अगर पढ़ रहे होंगे या आपको कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा और ये भी बताइएगा बेटा की ये आपको वीडियो प्यारा सा कैसा लगा और ऐसे बाकी सारे चैप्टर्स का वीडियो भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा बेटा अगर हम दो आ, है ना वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी एंगल बिटवीन ए एंड बी सिमिलरली यहां पर अगर दो फोर्सेस हैं उनका आपको रिजल्टेंट निकालना उन दोनों के बीच में एंगल क्या बेटा थीटा है सो दिस विल बी द केस अगर आपके पास द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज सिक्सटी डिग्री आ जाता है तो स्टैंडर्ड केस याद रख लीजिए कि F की नेट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ थ्री एफ आई की अगर थीटा की वैल्यू दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 90 डिग्री आ जाता है तो उस केस में याद रख लीजिए एफ नेट की under root of की वैल्यू अंडर रूट ऑफ और अगर आपके पास थीटा द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फोर्स वेक्टर्स अगर 120 आ जाता है इवन बेटा इलेक्ट्रिक वेक्टर्स पर भी ये लागू होगा ठीक है कहीं पर भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल वन डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट बेटा एफ के बराबर ही होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा यहां पर अगर आपके पास दो चार्जेस हैं लेट्स सपोज Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं और आपको एक न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों चार्जेस के बीच का दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं अगर तो बेटा न्यूट्रल पॉइंट कहीं इसके बीच में लाइक करेगा अगर हम क्यू से बात करें एक्स डिस्टेंस पे है क्यू से बात करें एक्स डिस्टेंस पे है ठीक है बेटा द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस अगर आर है तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी ध्यान से सुनिएगा अंडर रूट ऑफ क्यू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू टू इंटू आर वेर आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस चार्जेस कैसे हैं लाइक चार्जेस है अगर बेटा अनलाइक चार्जेस का केस आ जाए अगर उससे बाहर निकल के x डिस्टेंस दूर बेटा आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ Q2 जो कि छोटा चार्ज है उसको ऊपर बिठा दो डेनोमिनेटर में आता है अंडर रूट ऑफ Q1 वन माइनस ऑफ क्यू टू साथ में क्या आ जाता है ऊपर आर वेयर आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इसको नोट करते जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाइए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं अगर दो चार्जेस हैं q1 q2 और बीच में आपने किसी चार्ज को प्लेस किया दैट आज स्मॉल q

टू नोन है आप क्यू वन आपको दिया हुआ इक्वलिब्रियम है तो आप इस केस में फॉर्मूला लगा सकते हैं का बेटा अब Q1 इस केस में में क्या होगा equilibrium में होगा, जो इक्वलिब्रियम है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज बेटा ऊपर रखना है सिंपल एज ठीक है सिमिलरली अगर मैं बोलूं क्यू टू इक्वलिब्रियम में है उस केस में बेटा ऊपर क्या आ आर टू आ जाएगा और यहां पर बेटा उसका ऑपोजिट आएगा जाएगा दैट इज Q1 ठीक है इसको नोट करते चलिए नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं अब टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास ना पेंडुलम प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाता है बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इंपैक्ट आता है जो आपके पास एक्सेलरेशन आती है जो फोर्स आता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर अगर चार्ज कैसा हो हो पॉजिटिव तो बेटा मैं यहां पे बात कर रही हूं कि हमने कोई पेंडुलम रखा है तो उसके ऊपर वेट तो बेटा नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा क्यू इन e, तो उस केस में टाइम पीरियड हो जाता है

स्क्र प्लस इसका स्क्वायर एक्सेलरेशन ठीक है नीचे आपके पास एक्सेलरेशन आता है ठीक uh, है आपको और आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस केस में उसके पर फोर्स लगता है बेटा क्यू टी डिवाइडेड बाई एम यानी कि सिंपली बेटा एक्सेलरेशन इन टू टाइम काइनेटिक एनर्जी होता है नॉर्मल फॉर्मला हाफ एम वी का स्क्वायर बेटा अगर आप ये वी की वैल्यू को यहां पर

मासेस पहले आप याद रखिए दैट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ये याद होना चाहिए दूसरा टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द सेम कंडीशंस ठीक है प्रोटॉन का बेटा टाइम पीरियड ज्यादा होता है एज कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन Then, आ जाइए आगे फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल में बेटा बोलेंगे और की से दो पॉइंट पर एक्सियल और इक्वेटोरियल एक पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी थी उससे पहले बेटा अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बताते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से जिसकी वैल्यू रहती है क्यू इन टू टू इज द टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड बेटा एक बात याद रखना हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन रहता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव

के केस में जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है बट इक्वेटोरियल के केस में जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट जा रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जाती थी ठीक है जी ये फॉर अगर हम शॉर्ट डायपोल की बात करें तो ये फॉर्मुलाइज आ जा जाते हैं अगर कंप्लीट हम कंडीशन लगा रहे हैं शॉर्ट डायपोल का कंडीशन बेटा तभी लगेगा जब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है एज कंपेरिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है उस केस में हम शॉर्ट डायपोल वाला कंडीशन यूज करते हैं नेक्स्ट आगे आ जाइए अगर हम बेटा बात करें कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें क्या होता था टॉर्क का आ जाता जाता था बिकॉज नेट फोर्स तो बेटा इस केस में जीरो हो जाता है बट नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जीरोगा नहीं है कि डायपोल घूमेगा नहीं बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेम नहीं था इसलिए डायपोल घूमने लगता था उसके ऊपर टॉर्क लगता था पी क्रॉस ई दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आती थी स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली अगर डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक

इक्विलिब्रियम का केस बोलते थे ठीक है जी? यहां पर बेटा आपको एक चीज याद रखनी है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है आपके पास may may उस में बेटा नॉन यूनिफॉर्म केस में फोर्स भी जीरो हमेशा नहीं होता है नाइनटी ऑफ द टाइम यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही बोल के चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म केस में नेट फोर्स बराबर जीरो नहीं है ठीक है जी चलिए आगे आ जाइए अब हम यहां पर एक छोटू सा रिवाइज करेंगे बेटा अगर तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है तो तो वल्ले वल्ले है, तो बल्ले बल्ले कूलम्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं बट वहीं पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता था तो लीनियर डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की चार्जेंटी बारे में आपको बताया था बेटा लीनियर के केस में वैल्यू आती है कि चार्ज डिवाइडेड लेंथ सरफेस के एरिया एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी केस में रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ठीक है फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एंड एरिया वेक्टर का अगर तो ओपन सरफेस है अगर तो ओपन सरफेस है तो बेटा आपके पास दो एरिया वेक्टर्स पॉसिबल होते हैं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू एन एरिया बट अगर बॉडी है है ना uh, कोई ऑब्जेक्ट है उस केस में अगर आपको एरिया वेक्टर लेना है तो आप हमेशा वाला नॉर्मल करते हैं ठीक है उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा क्या था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया पर पेंडिकुलरली इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा

चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करी थी है ना इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था लेमडा डिवाइडेड बाय नॉट आर फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं बेटा आपके पास कोई इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है है ना एक प्लेन शीट है जिसमें काफी सारे चार्जेस हैं और इनफाइनाइट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दो केसेज आते थे बेटा नॉन कंडक्टिंग के केस के में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा टू एपसाइलॉट निकल के आती थी और कंडक्टिंग के केस में सिग्मा डिवाइडेड बाई एपसाइलॉट निकल के आती थी बेटा आई होप आपको थ्योरम तो याद है दैट

उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली रिंग की बात करनी है तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता था अगर इस रिंग का बेटा रेडियस कैपिटल आर है डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस एक्स पे हमने कोई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ थ्री बाय टू वहीं पर अगर आपके पास कोई थिन स्ट्रेट वायर है इसी का बेटा इसी फॉर्मूला का सब पार्ट ये एप्लीकेशन है बट तो अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें कोई आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्ट्रेट वायर है और इसके परपेंडिकुलर और पैरलर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट लिखने हैं किसी पी पॉइंट पर किसी पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर और पैरलर पर बेटा आपको कॉम्पोनेंट लिखने हैं तो आपके पास परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू आती थी खेल एम आर into sine of theta 1 plus sine of theta 2, where theta 1 and theta 2 were the angles subtended at that point from the end points of the wire. वहीं पर पैरलर कॉम्पोनेंट के लेमडा आर डिवाइडेड बाय थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आता था अब इसमें बेटा मैंने आपको सब केस करवाया था कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू नाइनटी डिग्री हो जाती है तो बेटा साइन ऑफ नाइनटी की वैल्यू तो है अपने पास बट कॉस ऑफ नाइनटी तो जीरो होता है ना तो इस केस में पैरलर कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सिर्फिकुलर कॉम्पोनेंट एक्जिस्ट करता है टू के लेमडा डिवाइडेड बाय आर आपके पास वैल्यू आ जाती है वहीं पर अगर आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर है वहीं पर आपके पास अगर सेमी इंफेनाइट वायर है तो एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा दूसरे एंड से बेटा एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा इसका डिटेल आपको प्रारंभ क्लासेस में पढ़ा रखे आप वहां से देख सकते हैं तो बेटा कॉम्पोनेंट के लेमडा बायर तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ठीक है वहीं पर अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज आंख का केस आ जाता है बेटा इस तरीके का केस आ जाता है और ये एंगल सेंटर पर कितना सब कर रही है अल्फा सब कर रही है तो इस केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील क्या आता है टू के लेमडा डिवाइडेड बाय आर वेयर आर इज वॉट आर इज द रेडियस ठीक है इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई टू और इस अल्फा को बेटा आपको किस में लिखना होता है डिग्रीज में लिखना होता है ठीक है अल्फा को डिग्रीज में लिखना होता है फिर बेटा आगे अगर हम बात करें आपके पास केस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर बेटा अगर कंडक्टिंग वाला केस होता है तो चार्जेस बाहर बैठे होते हैं सरफेस पर उस केस में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बायर का स्क्वायर

साइड वैल्यू से

सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर सो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव मिनट्स में अपना कम

वो जितनी भी फैकल्टीज बेटा यहां पर आपके साथ जुड़ी हुई है वो दिन रात एक करके आपके लिए कॉन्टेंट तैयार कर रही है तो आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू द द चैनल प्रेस एंड कॉमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट विद सीसी जरूर छोड़कर जाना यार वीडियो कैसा लगा आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो और नेक्स्ट बेटा हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको उसका भी इसी तरीके से एक क्रिस्ट प्रोविजन प्रोवाइड कर In the video section. So, see you all in the next class. Till then, love you all. Take care and bye bye.